अरे जल्दी करो, लेट हो रहा है, बहुत देख रहे हैं, लेट कर रही है। जो चलने के बारी होता है तुम्हारा कपड़ा पड़ा सब उठने लगता है, बच्चे नीचे तैयार होकर बैठे हैं। बस अपने तैयार हो जाते हैं ना तो बस हो गया। अरे औरतों लोग को बहुत काम रहता है, घर से निकल रहे हैं तो बारिश वरिश होने लगेगा तो कपड़ा भी गीला हो जाएगा मेरा, इसकी वजह से कपड़ा हटा लेने दीजिए। तो चल रहे हैं, 5 मिनट लगेगा और क्या, मगर घबराने लगते हैं भाई। हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से मेरे नए ब्लॉग पे। दोस्तों आज देखिए हम और हमारी देवी जी फिर कहीं बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। कहाँ निकल रहे हैं घूमने के लिए दोस्तों, ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए आप लोग को दिखलाते हैं, आज हमारे मंझले वाले लड़के का आज देखिए बर्थडे है, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग कहीं बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए। ब्लॉग में दोस्तों आपको पूरा दिखलाएंगे, डिटेल भी दिखलाएंगे। दोस्तों आप लोग तो जैसा आप लोग मेरे आगे कंटेंट्स में आप लोग तो देख ही लिए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने, फिर भी चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग को दिखलाते हैं। अरे आओ ना, बहुत लेट करती हो तुम जी, मेकअप कर लियो ना, मेकअप कर लियो, इसीलिए बड़ा देख रहे कि बड़ा लेट कर रही हो। मेकअप करने के बाद लेट कर लिए ना। अरे बाप रे बाप, अभी तैयार नहीं हुए जी। तुम कौन भाई के तैयार हो गए, हमसे पहले निकल जाओ भी क्या। बाप रे, मैं घबरा रहे थे छत पे। देखिए अभी तैयारी है नहीं हुई है इनका, तैयार है। चलिए हाथ धुलिए, हाथ धुलिए, चलो 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 हाथ धुलिए। अच्छा, घर से निकलने के पश्चात सबसे पहले दोस्तों हम लोग ई रिक्शा पकड़े हैं। ई रिक्शा पकड़ने के बाद आ रहे हैं बाजार में, और बाजार में आने के बाद देखिए हम लोग ऑटो पकड़ लिए हैं। तो पकड़ के हम लोग जाएंगे, कहाँ जाएंगे जी, क्या नाम है उसका, कजाकपुरा, सॉरी हाँ कजाकपुरा, कजाकपुरा उतरेंगे हम लोग, और वहाँ से पकड़ेंगे हम लोग एक दूसरा ऑटो पकड़ेंगे। तीन साधन बदल कर तब जाके उस मंदिर के पास हम लोग को पहुँचना पड़ता है, जो आपको मेरे कॉन्टेंट्स में दिखा है। तो चलिए दोस्तों जैसे ही हम करते हैं, हम लोग आ गए हैं उमराह में। दोस्तों देखिए आते आते हमारी देवी जी को सबसे पहले इनको गुलगप्पा दिख गया, मेरा फेवरेट गुलगप्पा है। औरतों का पसंद जानते ही नहीं आप लोग, गुलगप्पा पहले पसंद आता है। खाली बदनाम है कि गुलगप्पा ज्यादा खाती है, क्या आदमी लोग नहीं खाते हैं, जेंट्स लोग नहीं खाते हैं। चलिए इनके साथ साथ हम इनका कंपनी दे देते हैं, दो पीस हम भी खा लेंगे। मिलते हैं आप लोग को मंदिर के परिसर के पास। तो दोस्तों इन्हीं रास्ते से होकर सौरवेद महामंदिर धाम का दर्शन होता है, तो चलिए आपको आगे का नज़ारा दिखलाते हैं। इस मेन गेट से अंदर जाने के पश्चात सबसे पहले हम लोगों का चेकिंग होता है। 7 मंजिला यह मंदिर दोस्तों 125 पंखुड़ियों वाला पूरी तरह से कमल के फूल पर डिजाइन किया गया है। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर परिसर के अंदर 120,000 लोग मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं, अर्थात 120,000 लोग योग साधना कर सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के अंदर। थोड़ा सा हम लोग भी अपना फोटो शूट करवा लिए हैं, अलाउ तो नहीं है वीडियो फिर भी। और दोस्तों लोग कहते हैं कि इनके मार्बल पर 3137 छंद लिखे हुए हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यह मंदिर 268 पिलरों पर टिका हुआ है। और दोस्तों ये है हमारे अध्यात्म गुरु सदाफल देव जी महाराज जी का प्रतिमा। ए यस, तुमको पता है कि ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कौन है? नहीं, तुमको नहीं ना पता है। ये सबसे पहले तो इनके बारे में बता दूं कि ये जो है इनकी जन्म जो हुआ था 19वीं सदी में हुआ था, और ये जो थे ना सौरवेद के लेखक भी थे जी, और इन्होंने विहंगम योग की स्थापना भी किए थे, और इनको अध्यात्म के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी था कि इनको आज अध्यात्म गुरु के नाम से भी जाना जाता है, और बहुत बड़े विद्वान भी थे। कोई पूछेगा तो कम से कम बतला देना कि आप गई थी सौरवेद मंदिर, तो आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा। हमारे बच्चे सब देखिए मना किए हैं लोग नहीं जाने के लिए, फिर भी देखिए वो लोग चले गए ऊपर। इधर देखिए बैरिकेड किया हुआ है रास्ता,
ये देखिए सबसे ऊपर में चले गए, इधर से जाने के लिए मना किए हैं, फिर भी सब गए हैं सब। इस मंदिर का दोस्तों खासियत एक और भी है कि इतना बड़ा मंदिर बनने के पश्चात भी दोस्तों इसमें एक भी हमारे देवी देवता का मूर्ति नहीं लगा हुआ है। क्यों आप देखिए हैं? नहीं, मूर्ति नहीं लगा, इसमें एक भी मूर्ति नहीं लगा हुआ देवी देवता का दोस्तों। ये योगपीठ मंदिर है और यहाँ पे दोस्तों ये पूरे भारत में इससे बड़ा मंदिर कहीं नहीं है। 20,000 लोगों को एक साथ यहाँ पर योगपीठ का व्यवस्था है दोस्तों। आप भी एक बार इस मंदिर पर जरूर आएं और इस मंदिर का आनंद आप भी उठाएं। लोग ये भी कहते हैं कि ये मंदिर 7 मंजिला है। चलिए आपको दिखलाते हैं वाकई में ये 7 मंजिला है कि नहीं। इस बात तो ये है दोस्तों, इस मंदिर का पत्थर का कलर जो है पूरा वो गुलाबी कलर का पत्थर है दोस्तों। इस मंदिर परिसर का एक और भी खासियत है दोस्तों, इसमें देखिए 101 फव्वारा लगा हुआ है। हमारा थोड़ा सा किस्मत खराब था कि ये फव्वारा देखिए बंद है। लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि ये इस मंदिर का आधारशिला सन 2004 ईस्वी में संत गुरु स्वतंत्र देव जी के हाथों और उनके संत परिवारों के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसमें कहा जाता है कि 15 इंजीनियर और 600 कर्मचारी कार्यरत थे। दोस्तों कैसा लगा मेरा यह ब्लॉग? इतना दूर दूर जा जाकर आप लोग के लिए सिर्फ मेहनत करते हैं दोस्तों। कड़ी धूप में आज इतना ज़्यादा गर्मी था, फिर भी देखिए हम लोग दोस्तों गर्मी में निकल कर और गए हैं इतना दूर अपने घर से कम 35 किलोमीटर दूर जाके इस ब्लॉक में बना रहा हूँ दोस्तों। उमरा हमारे घर से कम 35 किलोमीटर दूर है और दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। तो कम से कम आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल में एक लाइक कमेंट और शेयर करना है दोस्तों। शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों जिसके पास मेरा ब्लॉग नहीं पहुँच पाता है कम से कम उसको आप शेयर कर देंगे तो कम से कम उसके वो भी तो कम से कम मेरा ब्लॉग देख लिया करेगा। और दोस्तों मेरे चैनल पर अभी जो नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरा जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग ऊपर जाएगा उतना हम मेहनत करेंगे दोस्तों आप लोग के लिए ही और नया नया ब्लॉग बनाते रहेंगे और जगह जगह का सीन दिखलाते रहेंगे दोस्तों। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।